हाय गांधा पाकिस्तानी फैमिली रैक तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अजय तो यार मोदी जी की रैली में आए मुसलमानों ने बोल दी अपनी दिल की बातें, सुनकर लग गई पाकिस्तान के कलेजे में आग। मोदी जी की रैली में आए, देखते हो वीडियो वाच करते हैं क्या बात की है, वाच करते हैं आखिर क्या दिल की बातें बोली है। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। जी कोई भेदभाव नहीं कर रहे हिंदू मुसलमान में, जो हिंदुओं को लाभ मिल रहा है वो अल्पसंख्यक को लाभ मिल रहा है। हम अल्पसंख्यक वाले इस बात से खुश है कि मोदी जी की सरकार जो मुसलमानों को लाभ दे रही है वो बेहिसाब और बेलौज लाभ दे रही है। मुसलमान खुश है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। कह रहे हैं अब की बार मोदी जी का झोला सिर पे उठाऊंगा, मोदी जी को बाहर छोड़ कर आऊंगा पार्लियामेंट। तो राहुल गांधी दिखाई नहीं देंगे, आप देखो से 2024 के अंदर, 2023 में जो अभी तो छोड़ो, जो लोकसभा के चुनाव आएंगे ना तब भारत आपको मोदी माँ ये क्या बोलते, राहुल गांधी जी दिखाई नहीं देंगे, दिखाई नहीं देंगे, कुली बन गए, कुली बनने दो, वही रहेंगे वो। वो सिर्फ दिखावे के लिए बनते हैं। जो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? अयूब कुरैशी। क्या नाम है? अयूब कुरैशी। अयूब कुरैशी जी, क्या करने आए हैं यहाँ पे? ये मोदी जी को मिलने आए हैं। मोदी जी को? हाँ। कहाँ से आए हो? बुरहानपुर। कितनी दूर है आप यहाँ से? करीबन 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर है। तो मोदी से क्यों मिलने आए हो? आए मिलने, पार्टी के लोग हैं। पार्टी के लोग? आप पार्टी से हो? 32 साल से जुड़े हैं नंदू भैया के राज से। 32 साल से बात कर रहे हो? बिल्कुल। तो मोदी जी में क्या देख लिया? अरे देश को चला रहे मोदी जी, सारी योजनाएं दे रहे मोदी जी और मामा जी। मामा जी? हाँ, शिवराज सिंह चौहान, जिनका अभी चुनाव है 2023 में, लास्ट है आखिरी में 2023 में। फिर 23 में तो कह रहे मामा जी गए और 24 में मोदी जी गए। अरे 150 सीटें लाएंगे मामा जी, 130 में से 150 मामा जी, मामा जी लाएंगे। योजना कितनी चालू है उनकी, लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी है। फिर कह रहे हैं कमलनाथ अब की बार मामा जी को हाथ पकड़ के छोड़ कर आएंगे। कमलनाथ ने धोखा किया, 2 लाख रुपए कर्जा का माफ किया हमारे पे, 2 लाख कर्जा है मेरे पास, उनका पूरा बायोडाटा है कमलनाथ ने। 2 लाख हमें बोला था, 2 लाख रुपए आपका कर्जा माफ करेंगे 10 दिन के अंदर। अरे राहुल गांधी कह रहे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कह रहे थे, 10 क्या कह रहे थे? बोले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बस 10 दिन में आपका कर्जा माफ। तो कर दिया हमको साफ कर्जा माफ, हमको कर दिया साफ। अरे हमारी कांग्रेस की सरकार, हमने ये उम्मीद पहले, हमारी सरकार तो दे रही, पहले जीते की बात में, पहले तो हमारी सरकार दे रही है हर चीज की योजना। कांग्रेस तो बोलती है पहले, बाद में सब करती है, हमारी सरकार तो अभी दे रही पहले हर चीज की लाभ दे रही है। कौन दे रहा है? हमारे मामा जी दे रहे हैं, हमारे मोदी सरकार दे रहे हैं। मोदी सरकार? हाँ। मामा जी? मामा जी क्या दे रहे हैं? मामा जी हर चीज की लाभ दे रहे हैं, हर चीज का, मुस्लिमों को भी, सबको, हर 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 मोर्चे को दे रहे, हर मोर्चे को दे रहे। मोदी जी कोई भेदभाव नहीं कर रहे हिंदू मुसलमान में, जो हिंदुओं को लाभ मिल रहा है वो अल्पसंख्यक को लाभ मिल रहा है। हम अल्पसंख्यक वाले इस बात से खुश है कि मोदी जी की सरकार जो मुसलमानों को लाभ दे रही है वो बेहिसाब और बेलौज लाभ दे रही है। मुसलमान खुश है। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है आपका? रिजवान खान। मेरा नाम रिजवान खान है, मैं बुरहानपुर से हूँ। रिजवान खान जी, रिजवान खान है मेरा। भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी आप भी बोलते हैं क्या? भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं, क्या मोदी ने कुछ किया है देश के लिए? बहुत कुछ किया है, हाउस बनवा दिया। मैं आपको 100 की एक बात बताऊं, बोले भारत माता की है। हम भारत में जन्मे हैं, हमारी मातृभूमि जन्म भारत है, हम भारत में रहते हैं, तो फिर हम बाहर की क्यों गाएंगे? भारत की खाते हैं, भारत की गाएंगे। बिल्कुल। तो बोलते हो गर्व से भारत माता की जय। माता की, भारत माता की, और क्या चाहिए बोलो। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं अब की बार मोदी जी का झोला सिर पे उठाऊंगा, मोदी जी को बाहर छोड़ कर आऊंगा पार्लियामेंट। तो राहुल गांधी दिखाई नहीं देंगे, आप देखो से 2024 के अंदर, 2024 में जो अभी तो छोड़ो, जो लोकसभा के चुनाव आएंगे ना तब भारत आपको मोदी माँ ये क्या बोलते, राहुल गांधी जी दिखाई नहीं देंगे, दिखाई नहीं देंगे, नहीं देंगे। कुली बन गए, कुली बनने दो, वही रहेंगे वो। वो सिर्फ दिखावे के लिए बनते हैं। क्या मैं झोला उठाऊंगा मोदी जी का? नहीं नहीं नहीं, वो तो मोदी जी को बाहर छोड़ के आऊंगा। वो तो गांधी परिवार से, वो क्या जाने गरीबों को, उन्होंने गरीबी देखी नहीं है। सारी गरीब जनता मामा के साथ जुड़ी है और मामा का पूरा सहयोग गरीबों को है। अच्छा, गरीबों को है, तभी तो ये सारे गरीब है, ये पैदल जो चल रहे हैं, एक दिन से भूखे आए, एक दिन से भूखे जाएंगे, पैदल चल के आए।
ट्रेन में धक्के धुक्के खा के मामा जी के लिए सिर्फ मामा जी के लिए क्या कह रहे हैं मुल्ला जी कह रहे हैं मामा जी के लिए बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है अच्छा सही है बिल्कुल सही आपका क्या नाम है सलमान 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 क्या कहोगे क्यों आए यहाँ पे मैं यहाँ पर आया मोदी जी को देखने के लिए और सुनने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यकर्ता हूँ हाँ कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़े हो बीजेपी से जुड़ा हूँ क्या दे रही है भाजपा भाजपा ने आवास योजना दी है लाडली बहनों को 1200 रुपए दिए उसके बाद में अपने लाडली जो अपने लड़कियाँ महिलाओं को जो निकाय योजना में जो 51,000 रुपए दे दिए ऐसे योजना बिल्कुल बिल्कुल अभी मेरे घर में मेरे लड़के के घर मेरे लड़के के घर लड़की पैदा हुई है तो उनके कार्यकर्ता आए बोले चाचा आपकी बच्ची का ये बना लो बोले लाडली योजना का इसे शादी के वक्त 1,00,000 रुपए मिलेंगे बोले और अभी 3,000 रुपए स्कूल में जाएंगी सारी पढ़ाई फ्री होंगी फिर और क्या चाहिए उससे और कुछ नहीं चाहिए वो कोई भेदभाव करते ही नहीं हमसे हमें तो सारी योजना दे रहे हैं लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बार हम आएंगे 1,000 की जगह 2,000 रुपए देंगे नहीं नहीं अभी देंगे तो क्या फायदा पहले से देते चले आते आज ये टाइम ना आता उनका बहुत दर्दशा हो रही है उनकी अभी कह रहे मोदी ने देश बेच दिया नहीं नहीं बेच दिया वो कहा उनको दिखाई दे इतना योजना जो लगा रहे नहीं दिख रहा है आज से आप 2014 के पहले देखो देश क्या था और आज देखो सारी सिटी स्मार्ट सिटी बन गई है सारी 4 लेने बन गई है बिजली फ्री मिल रही है पानी फ्री मिल रहा है और क्या चाहिए चाचा झूठ तो नहीं बोल रहे सही बोल रहे सही बोल रहे सही बोल रहे चाचा सही बोल रहे सवाल नहीं पहले भोपाल चाचा सही बोल रहे भोपाल आने के लिए 12 घंटा लगता था मेरे पास 4 व्हीलर है 10 लाख की खरीदा हूँ नई नई गाड़ी हाँ पहले मुझे 10 घंटे लगते थे अभी 5-6 घंटे में आता हूँ भोपाल कहाँ से ब्रांतपुर से अच्छा हर 4-6 महीने में आता हूँ हमारी ब्रांतपुर जिला की मुख्य चटनी से अर्चना दीदी जो कैबिनेट मंत्री रह चुकी है अभी भी आई है उनके साथ में आए हम अच्छा अरे देख लो मौका है आपकी बार कह रहे हैं 23 में गए मामा जी 24 में गए मोदी जी नहीं 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 कैसे जाएंगे आप भी रहोगे हम भी रहेंगे फिर आगे आपसे यहाँ मिलेंगे तो आप कैसे ले आओगे मोदी को बिल्कुल लाएंगे जनता लाएंगे जनता जहाँ से चाहती है मोदी सरकार आपकी बार मोदी सरकार ये तस्वीर आप देखिए क्या कहेंगे किस तरीके से आप लोग देखते हैं मोदी जी को देखने के लिए क्या कहेंगे देखिए निश्चित रूप से हमने मोदी जी को एक अपना विश्वास रूप बना के रखा है और उनके विश्वास को लेके जो हम 2024 में काम करने वाले हैं अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ उनको देखने के लिए और उनका जो भी हमको मिलेगा उसको हम अपने बूथ तक ले जाएंगे और उसी विश्वास के साथ वहाँ काम करेंगे देखो मुसलमान 400 किलोमीटर दूर भाई मिलने आया मोदी जी से उनकी रैली में और मैं हैरान तब हुआ कि भाई मुसलमानों को शादी के टाइम 1,00,000 रुपया दिया जा रहा है ये देखो और बहुत बड़ी बात है 4 लाख अब बड़ी बात इधर बहन की दोम की कोई अपना मैं कहता हूँ कि अब मैं क्या बोलूँ इधर किसी को 10 रुपए नहीं देते 1,00,000 रुपया तो बड़ी चीज है का नोट भी नहीं देते और वहाँ पर देखो पाकिस्तानी 4,00,000 रुपया दे रहे हैं बच्ची को शादी पर वो भी मुसलमानों को और इधर हमें क्या मीडिया हमारा बताता है वहाँ का मुसलमान भाई खतरे में है हिंदू मार रहा है उसको और वो पाकिस्तान आना चाहता है घंटा हिंदू मुसलमान एक साथ खड़े में आज तो रेलवे में शरीक हो रहे हैं 400 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं देखो ना और ये लोग एक ही नारा मोदी की सरकार आएगी मोदी की सरकार आएगी मुसलमान 400 किलोमीटर दूर सिर्फ उनका एक झलक देखने आ रहे हैं सिर्फ एक झलक उस बंदे की देखने आ रहे हैं और भाई कहते हैं हम भारत के अंदर इतना खुश हैं जितना कभी कोई हो ही नहीं सकता कहते हैं कि जो चीज मोदी जी देता है औरों को हिंदुओं को सिखों को वही मुसलमानों को मिलता है कहते हैं उससे ज्यादा मिलता है बिल्कुल आप खुद सोचो 1,00,000 रुपए निकाह के टाइम मिल रहा है 4,00,000 रुपए बड़ी चीज है वजह मुसलमानों का बहुत बड़ा क्या मोदी जी हिंदुओं की शादी में दे रहे हैं नहीं मुसलमानों को दे रहे हैं ये देख और क्या करे वो बंदा हीरा है उल्टा आज पाकिस्तान वहां पर इंडिया में जाना चाह रहा है यहाँ के लोग खुद बोलते हैं कि अपन इंडिया के दरवाजे खोलो दरवाजे खोलो जाता पाकिस्तान उधर चले खुद बोल रहे हैं भाई यहाँ का लोग बहुत बड़ी चीज है वजात ये मुसलमानों को इतनी सहूलती मिल रही है कि मतलब सोच भी नहीं सकता और वो मुसलमान आज खुद सामने आके बोल रहा है वहां पर बैठ के कि भाई साहब मोदी जी ने वो काम कर दिया कि हमें यहाँ पर 10 घंटे लगते तो और आप 3-4 घंटे में पहुंच रहे हैं देख कहता है मोदी जी ने हर एक काम को आगे बढ़ाया 2014 से पहले आना देख इंडिया किधर था तो आज किधर है आज किस मकाम पे खड़ा ये किसने किया मोदी जी ने किया एक ही नारा है बस मोदी जी भारत माता की जय के साथ नारे और ये वाक्य में हमारे कलेजे पे इस पे आग लगनी चाहिए कि भाई हम लोग तो अलग हो गए लेकिन भाई साहब ये क्या हुआ
जो इस्लाम के नाम पे देश बनाया गया उस देश के अंदर हर डाकू है, चोर है, और जो भाई वो हिंदुओं का देश है उसके बारे में हमें कहते थे हिंदू है हिंदू है हिंदू है ये है तो वो है, उस देश के अंदर सारे ईमानदार कहां से आ गए? सही बात है भैया, वे कुदर बोलते हैं कि मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलता, ये देख वो मौली भी बोल रहा है सारे चिट्टी दाढ़ी वाला भारत माता की जय, एक ही नारे लगा एक ही नारा, ये ऐसे मुसलमान पता चलता है कि मोदी खिदमत कर रहा है मुसलमानों की। ये तो बात प्रूफ होती है कि वहाँ पर जो हिंदू है और मुसलमान रहने वाले ईमानदार है, हमने इधर से अपने आप से बनाया हुआ है बाजार, और जो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना वो चोर, ये तो बात फिर सामने आ जाती है ना यार। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।